हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक बिना कोको पाउडर के। मैं हूँ माधवी और माधवीज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान सा चॉकलेट केक जो बना है बिना कोको पाउडर के। बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बिना कोको पाउडर के मैं चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूँ, तो ये रही रेसिपी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप सभी को बहुत पसंद आएगी और इसे कोई बिगिनर भी बना सकता है, ये इतनी आसान सी रेसिपी है। तो दोस्तों आइए झटपट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस करके रेडी कर लेंगे। तो केक टिन में यहाँ मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है और इसे 1 चम्मच ऑयल से हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसे यूज़ कर सकते हैं, या बटर पेपर नहीं है तो 1 चम्मच इसमें आप मैदा डालिए और इस तरह से केक टिन को हम मैदे से अच्छे से डस्ट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल लेंगे। तो जो केक टिन अच्छे से डस्ट हो चुका है और अब अगर हम इसमें केक बनाएंगे तो वो केक टिन से चिपकेगा नहीं। आइए अब हम एक पैन को प्रीहीट कर लेते हैं। इसे हम 5 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इस बीच हम अपना केक का बैटर बना लेते हैं। तो केक का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, जिसमें कोई स्मेल नहीं है। आप चाहें तो घी या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 कप पाउडर्ड शुगर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाउडर्ड शुगर बनाने के लिए आप रेगुलर चीनी जो आपके घर में है उसे ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर ग्राइंडर में, पाउडर्ड शुगर बन जाएगी। तो ये देखिए दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मिल्क। ये मिल्क मैंने पहले से बॉईल करके और रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लिया है और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल है वो मिल्क में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऑयल अच्छे से मिक्स तो नहीं होगा लेकिन एक इमल्शन जरूर बन जाएगा। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम डालेंगे इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ 1 कप मैदा। आप चाहें तो मैदे की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से इस तरह से छान कर डालेंगे ताकि जो हमारा बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है वो मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे हमारा जो केक बनेगा वो बहुत ही स्पंजी और एयरी बनेगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम स्लोली स्लोली एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा बैटर बने वो स्मूथ बने और इसमें कोई भी लंप ना हो। इस तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करने से हमारा जो बैटर है वो एकदम फ्लफी बनता है। ये देखिए ये परफेक्ट स्मूथ बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चॉकलेट सिरप। यहाँ मैं कोको पाउडर यूज़ नहीं कर रही हूँ बैटर में, ये चॉकलेट सिरप कहीं भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है और इसे भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस चॉकलेट सिरप से जो केक बनता है बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। आप चाहें तो अगर आपको चॉकलेट केक का कलर और डार्क चाहिए तो आप 2-3 टेबलस्पून चॉकलेट सिरप और ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून लेमन जूस और इसे भी बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट बैटर रेडी हो गया है चॉकलेट केक के लिए। तो अब हम इस बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे केक टिन में। ये देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ये रिबन के जैसा गिर रहा है केक टिन में, तो यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। अब हम इसे 3-4 बार टैप कर देंगे ताकि जो एयर बबल्स है निकल जाए। इसका एक और ट्रिक है, एक टूथपिक को आप इस तरह से बैटर में घुमा सकते हैं। इससे भी क्या होता है ना, जो बैटर में बड़े बड़े बबल्स हैं वो निकल जाते हैं, हमारे केक में एयर पॉकेट्स नहीं बनते हैं। अब ये देखिए हमारा जो पैन है वो भी प्रीहीट हो चुका है। केक टिन को हम पैन में रख देंगे और इसे ढककर बेक करेंगे 25 से 30 मिनट तक स्लो फ्लेम पर। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे बेक कर सकते हैं 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। ये देखिए करीब 25 मिनट के बाद ये हमारा केक फूलकर कुछ इस तरह का हो गया है, बहुत ही अच्छे से फूला है केक हमारा। तो अब हम एक नाइफ को बीच में इंसर्ट करेंगे, ये चेक करेंगे केक को। नाइफ हमारा क्लीन है मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। अगर नाइफ क्लीन ना निकले तो उसे 5 मिनट के लिए और बेक कीजिए।
और फिर से एक बार चेक कीजिए। अब हम केक टिन को इस पैन से निकाल देंगे और केक को पूरा ठंडा होने देंगे, और जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा केक है ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है केक। और ये देखिए इसे दबाने पर ये बाउंस बैक हो रहा है, इसका मतलब ये केक हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हुआ है। साइड्स को इस तरह से लूज़ कर लेंगे नाइफ से और अब हम केक को डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये देखिए केक बाहर आ गया केक टिन से, बटर पेपर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्चर स्पंजी केक बना है। तो ये हमारा चॉकलेट स्पंज केक रेडी है। इसे आप इसी तरह कट करके सर्व कर सकते हैं या इस पर आप आइसिंग भी कर सकते हैं। ये बेसिक केक है, अगर आप ये केक अच्छी तरह बना लेंगे तो आप इससे कोई भी और केक बना सकते हैं। इस पर आइसिंग करके आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बना सकते हैं, बहुत तरह के और भी केक आप बना सकते हैं इससे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी केक बना है और बहुत ही मॉइस्ट है ये। ये देखिए इसका आप टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल स्पंज के जैसा। ये देखिए बिना एग का, ये देखिए एकदम स्पंज के जैसा केक हमारा रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छा केक बना है। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इसे कोई भी बना सकता है। अगर आप केक बनाना शुरू कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो भी ये केक आप आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही ईजी रेसिपी है ये, और केक बिना फेल हुए बहुत ही अच्छा बनकर बाहर आता है। ये अब हम इस केक को थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, चॉकलेट सिरप से ही हम इसे गार्निश करेंगे। और इस पर हम डाल देंगे थोड़े से स्प्रिंकल्स ताकि ये थोड़ा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट केक रेडी है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस केक है, बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। कभी कभी हमारा जो कोको पाउडर है हमारे घर में ख़त्म हो जाता है, तो इस तरह से हम चॉकलेट सिरप से भी चॉकलेट केक बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से और बहुत ही डिलीशियस केक बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और मुझे अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों मिलते हैं मेरी ऐसी एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।